प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की दी बड़ी सौगात, कहा कश्मीर और कश्मीरियों के विकास के लिए कृत संकल्प है भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर साझा करेंगे देश के साथ मन की बात। इसका प्रसारण मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। कोरोना की वैश्विक महामारी के खिलाफ देश प्रतिदिन सफलता के स्थापित कर रहा है नए मापदंड। 25 दिसंबर तक 97 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय करेगा महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध। विभागाध्यक्ष ने शोध कार्य मिलने पर बताया गौरव की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा, आप देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आज बड़ी सौगात देते हुए आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी से वीडियो लिंक के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो वहीं जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी जुड़े रहे। इस योजना का उद्देश्य 370 समाप्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर के लोगों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। विकास के कार्यों को गति दी जा रही है, अधिकारी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद कश्मीर के विकास को और गति मिलेगी और सरकार की प्राथमिकताओं में कश्मीर शामिल है। आज मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके ये अनुभव नहीं है, कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं तो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए और दौड़ने के लिए ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ हर कश्मीरी नागरिक को मिलेगा। इसके लिए 229 सरकारी और 35 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए उन्होंने कश्मीर के लोगों की सराहना की। क्योंकि आज ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। लगभग जम्मू कश्मीर के 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। मैं आज जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति,
द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इसके जीवन स्तर को उठाने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जमहूरियत डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। और तीसरा, सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी एक बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। रात 8 बजे इसका दोबारा प्रसारण किया जाएगा। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह की आज जयंती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया है। कोरोना की वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत के प्रतिदिन सफलता के नए मानदंड हासिल कर रहे हैं। 25 दिसंबर तक देश में 97,17,834 मरीज पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हो गई है और मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों में 22,273 नए मामले सामने आए हैं। 251 मरीजों की मौत हुई और 22,274 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को एएमयू के शताब्दी समारोह के वर्चुअल समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को टास्क दिया था कि 70 छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर भी रिसर्च करें। अन्य 30 छात्रावासों में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से मिले टास्क को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। सुझाव मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध करने में जुट गया है। पीएम संबोधन के बाद 2 दिन बाद ही ये प्रस्ताव तैयार किया गया और वाइस चांसलर ने इसको मंजूरी दे दी। महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर रिसर्च की जिम्मेदारी वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट को सौंपी गई है। केंद्र की डायरेक्टर प्रोफेसर अजरा मूसवी के निर्देशन में उनकी टीम इस पर काम करेगी। प्रोफेसर अजरा मूसवी का कहना है कि हमारे विभाग के लिए ये बहुत अच्छी बात है और ये जिम्मेदारी हमारे विभाग को मिली है। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ पुरुषों के बारे में ही लोग जानते थे, अब महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास के बारे में भी लोग जानेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि क्योंकि बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो अनसंग हीरोज कहलाती हैं, यानी जिनके कंट्रीब्यूशन को इक्वल रिकॉग्निशन नहीं मिला है ना। बहुत कम लोगों को पता है कि विमेन ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, जैसे एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज बनारस में सेटअप किया था। तो बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे कॉलेजेस भी खोले गए थे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान जो विमेन ने खोले थे। तो इस तरह की हिस्ट्री को लाने की ज़रूरत है जो लोगों को पता लगे कि विमेन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में। हम सारे एरियाज़ में विमेन के सारे कंटेम्प्रेरी रीसेंट इश्यूज़ पे रिसर्च भी कर रहे हैं। सो उसी सीरीज़ में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और हमारे अपने वाइस चांसलर साहब के सपोर्ट के बाद हम लोग इस पे कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमने उसका खाका तैयार कर लिया है। स्वतंत्रता संग्राम में हमारी विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत हाईलाइट नहीं हुआ है, उस पर हम अपनी रिसर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है और हमारी डायरेक्टर प्रोफेसर अजरा मूसवी और हमारी एक्स डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीन मूसवी के गाइड में मैं और जूही गुप्ता और मेरे कलीग डॉक्टर शाह आलम साथ में मिलके एक बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम सारी विमेन जिनका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वतंत्रता संग्राम में रहा है उस पर एक रिसर्च करेंगे और एक पॉलिसी सजेशंस के लिए, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा रिपोर्ट तैयार करेंगे। उद्देश्य है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में तो हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर मेन सामने मर्दों को या पुरुषों को हम ज़्यादा देखते हैं,
लेकिन महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो कुछ सामने आई और बहुत सारी ऐसी हैं जो पीछे रह के उन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया, जैसे कि गांधी जी की खुद की पत्नी, चाहे वो सामने ना दिखाई दी हों लेकिन पीछे से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी औरतें ऐसी थीं जैसे सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं की पढ़ाई के लिए और सारी उनके जो भी स्ट्रगल्स थी उनमें उनको सपोर्ट किया। तो इस तरह से अगर हम वो सब चीज़ें देखें कि कौन महिलाएं थीं जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को, आज़ादी की लड़ाई को बहुत मजबूत बनाया और बहुत स्ट्रांग किया, तो उन सब का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सामने आना चाहिए। और विमेन स्टडी सेंटर ही मेरे ख्याल में एक अच्छा एक वो है जहाँ से हम विमेन के ऊपर रेगुलरली स्टडीज़ करते रहते हैं। तो ये भी काम अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जनपद कानपुर नगर के सरसौर ब्लॉक में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 15 किसानों को अनुदान धनराशि पर कृषि यंत्र भी वितरित किए। उप मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित किया और मोदी जी को नवयुग का निर्माता बताते हुए कहा कि ऐसा नेता धरती पर एक ही बार आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के गरीब लोगों को चिन्हित कर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से सरकार ने देश के हर गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैं अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता गरीबों की भलाई के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री के पद तक जितना कार्यकाल है एक दिन की भी बिना छुट्टी लिए जिसने निरंतर कार्य किया है। अब जब गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते नेतृत्व करते थे तो गुजरात को दुनिया का पहले नंबर का, देश का नहीं दुनिया का पहले नंबर का प्रदेश बनाया, जिनके नेतृत्व में अब हमारा देश दुनिया में नंबर एक के स्थान पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रामपुर में हुनर हाट में कारीगरी रामपुर के नाम से जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रामपुर में 19वीं शताब्दी से अब तक रामपुर के परिधान एवं कारीगरी में बदलाव तथा विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। जिलाधिकारी अंजय कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर रामपुर के कारीगरों द्वारा बताए गए उत्पादों को काफी पसंद किया जा रहा है। कारीगरी पारंपरिक परिधान व जिले के उत्पादों पर आधारित शो का आयोजन भी किया गया। 19वीं शताब्दी से वर्तमान सदी तक पारंपरिक परिधानों में बदलाव को भी कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया तथा चाकू, पतंग, टोपी, वायलिन सहित रामपुर के विशेष हुनर को इस शो में दिखाया गया है। हुनर हाट हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका बन के आया है और अभी तक जो हुनर हाट के जितने दिन बीते हैं उसमें लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। हमारे जो कारीगरों के उत्पाद हैं काफ़ी पसंद किए गए हैं और बहुत ज़्यादा उनके जो उत्साह वर्धन हुआ है उनका, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मंच है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है और माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी जी सीधे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनकी सुझाव पर और विचार विमर्श करके हमने एक कार्यक्रम 25 तारीख को रखा है जो फैशन शो, एक्चुअली वो तो होगा फैशन शो ही लेकिन वो एक पारंपरिक परिधानों का और रामपुर के जो उत्पाद हैं उनका उनके बारे में होगा। और वो खास फैशन शो इसलिए है कि उसमें हम रामपुर के जो पुराने समय से लेके 19वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी के परिधानों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से पहनावा बदला है। हालांकि जो कला है वो वैसे ही वैसे बरकरार है और आज उन परिधानों की कला ने क्या स्वरूप लिया है। साथ ही हमारे जो बाकी के उत्पाद हैं, चाहे वो चाकू हो, चाहे पतंग हो, चाहे टोपी हो, चाहे वायलिन हो और यहाँ का म्यूजिक, वो सारी चीज़ें एक रिद्म में बनकर आएगा
और सारे लोगों को हम रामपुर की कला से परिचित कराएंगे, रूबरू कराएंगे। तो इस कोई सामान्य फैशन शो नहीं है, इसमें काफी मेहनत भी की गई है और हमें पूरा विश्वास है कि उस दिन रामपुर की जो कला है उसके बारे में हम लोगों को इस फैशन शो के माध्यम से परिचित करा पाएंगे। उन्नाव में कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने असोहा में प्रधानमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। किसान कानून पर किसानों की शंकाओं का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के हित में है और विपक्ष राजनीतिक कारणों से किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी ने हमेशा राष्ट्र के लिए सोचा और उसी का प्रतिफल है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक रूपता में खड़ा है। कश्मीर के चुनाव में भी साबित हो चुका है कि सरकार की नीतियां सही हैं और आने वाले समय में इसका लाभ देश को मिलेगा। और उनके विचार भी अटल और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण भी अटल था मित्रों। ऐसे थे देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे थे राष्ट्र पुरुष हमारे देश के गौरव अटल जी। अटल जी अपने जीवन में ऐसे कई कार्यकर्ताओं को मित्रों, कई कार्यकर्ताओं को दिशा दिया जो उनकी प्रेरणा लेकर आज देश के अंदर काम कर रहे हैं मित्रों। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का हस्तांतरण के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सीतापुर जनपद के सभी 19 विकासखंडों में चयनित स्थलों पर आयोजित किया गया। खैराबाद विकासखंड के कार्यक्रम का भव्य आयोजन खैराबाद स्थित उपनिदेशक कृषि कार्यालय के प्रांगण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संदेश देशवासियों को दिया है और उसके बाद जो मेरे किसान भाई हैं, जो किसान भाई बहन हैं, उनको जो संदेश दिए, मुझे लगता है उसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं। जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को लेकर आए थे, तो वो लगा कि सरकार तो सारी चीजों को कवर अप कर रही है, तो वो मुद्दे से इधर उधर होकर दूसरी बातें भी करने लगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि हम हर विषय पर उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात मुद्दे की होनी चाहिए। तो यही मेरा कहना है कि विपक्ष में अगर हिम्मत है तो जाए और जाकर बात करे, मुद्दे की बात करे, हर सवाल का जवाब। जब पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रहे थे, तब भी देश में किसान अपनी मेहनत से उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। भारत सरकार ने कृषि सुधारों को अमली जामा पहनाया, इसका जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। इसका लाभ जनपद कानपुर देहात के किसानों को भी अब सीधे तौर पर मिलेगा। किसान बिना रोक टोक देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं। किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिली और कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार का सपना पूरा हुआ। इस फैसले से किसान और कारोबारी दोनों को फायदा मिलेगा। नए कानून के लागू होने के बाद एपीएससी का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर किसी भी जींस की खरीद बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। कृषि बाजार में स्पर्धा बढ़ने से किसानों को उनकी फसलों को बेहतर व लाभकारी दाम मिल सकेगा। हमने जो अभी सरकार ने हमारी मोदी जी ने जो अपना ये बना के भेजा किसान फायदे के लिए किसानों के हित में, हमने अपना धान 1888 में दिया और आगे ये भी सोचते हैं कि इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी हम किसानों के लिए इसी तरह सोचते रहें तो हम किसानों का भला होगा। और आगे हम ये भी देखते हैं कि हम किसानों के लिए मोदी जी ने 2,000-6,000 रुपए ये जो दे रहे हैं हर किसानों के लिए, गरीब किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सबके लिए दे रहे हैं। इन जो तीनों बिल आए हैं इनसे मेरा मानना है कि इससे किसान लाभान्वित होगा। अभी तक जो हमारी जींसें होती थी, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब औने पौने दामों में बिचौलियों के माध्यम से बिकती थी, तो अब एमएसपी सरकार ने लागू किया है और उस पर ये कानून बन गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके आने से किसान लाभान्वित होगा और जो मोदी जी ने वादा किया है आय दोगुनी करने का, उसमें ये बहुत बड़ा कदम है। ये जो मोदी जी ने कानून बनाया हम किसानों के लिए, तो ऐसे हम लोग बहुत परेशान थे कि कहीं फसल बेचना है तो व्यापारियों को ढूंढिए, इनको ढूंढिए, और उसमें तमाम दलाली वगैरह होती थी।
लेकिन अब ऐसा योगी जी ने कानून बना दिया मोदी जी ने कि हम कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं और अच्छे दामों में अपना माल बेच सकते हैं। बाराबंकी के किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर औषधीय खेती कर रहे हैं। शतावर की खेती से किसान अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। जनपद के टाइटलपुर कौली के किसान राम सांवले शुक्ल ने औषधीय पीली शतावर की खेती की शुरुआत की। अच्छा मुनाफा देखकर इन्होंने खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाया। ये अब 15 से 20 क्विंटल शतावर पैदा करते हैं, जिसका मूल्य भी 50,000 रुपए प्रति क्विंटल है। लाभ को देखते हुए इनका बेटा नौकरी छोड़कर औषधीय खेती में अपना हाथ आजमा रहा है। कृषि अधिकारी का कहना है कि बाराबंकी के किसान तुलसी और मेथा की खेती करते थे, लेकिन अब यह औषधीय खेती करने लगे हैं, जिससे इनका लाभ बढ़ गया है। धीरे धीरे लोगों से मालूम हुआ कि एक सतावर है जो औषधीय के काम आती है, उसको लगाइए। तो उसको मैंने बरेली से लाए, उसका बेरन लाए और अपने खेत में लगवाए एक एकड़ में। उसमें मुनाफा हुआ, लेकिन कम मुनाफा हुआ। तो अगली बार जो है दोबारा फिर जो है लगाए दो एकड़ में। जब दो एकड़ में लगाए तो उसमें मेरी किस्मत साथ दे गई और उसमें अच्छी पैदावार हो गई। उसको बेचा मैंने तो उसमें करीब करीब एक एकड़ में 4 या 5 लाख रुपये तक मिले। उसके बाद धीरे धीरे मैंने शुरू किया और लोगों से प्रोत्साहन दिया कि आप भी लगाइए, आप भी लगाइए, आप भी लगाइए। हमारे गांव में कई लोगों ने इसको लगाया है और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पारंपरिक खेती गेहूँ धान किया करते थे जब से पढ़ाई छोड़ा है, और फिर बाद में जो है औषधि खेती की तरफ मुड़ घूमा तो ऐसा अधिक हमको मालूम पड़ा। सीमा घूमा गए मीटिंग में तो वहाँ से फिर पहले आर्टिमिशिया के बीज लाए। आर्टिमिशिया भी 3 महीने की फसल है और अच्छा मुनाफा उसमें हो जाता है और गांव वाले उसको काटते हैं, गांव वाले पीट भी देते हैं, उसको पैसा हमको मिल जाता है। और पूरे गांव में करीब करीब 100 आदमी को हम लगवा रहे थे। फिर हम छतावर तरफ मुड़े और छतावर भी हमको छतावर अच्छा चुनने को मिला कि छतावर अच्छा रेट मिलती है और जानवर भी नहीं खाते हैं इसको और पैसा भी अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए मतलब मेहनत लगती है लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। इसलिए किसान भाई, अगर सब किसान भाई थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन चार चार बीघे अगर लगावें तो उनके मतलब एक पैसा अकाउंट में है, पैसा अच्छा मिल जाएगा। वैसे जनपद बाराबंकी इसमें औषधीय में तुलसी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब विगत 2-3 वर्षों से यहाँ पे सतावर, एलोवेरा आदि की खेती होती है। इसमें सतावर की खेती ये लोग कर रहे हैं तो अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। और चूंकि सतावर कम एरिया में होता है अपने यहाँ, और इनका काफ़ी योगदान है कि सतावर हमारे जिले में बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने मांग भी किया है शासन से कि इसमें जो है कुछ बजट प्राप्त हो जाए तो हम लोग भी अपने स्तर से जो है इनको मदद दे दें। और जब किसान उन्नत होता है तो सरकार उन्नत होती है। हम लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। सचेत नागरिक परिषद एवं अधिवक्तागण मंच द्वारा कल लखनऊ में आम जनता, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अथवा संविधान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में आए डॉ. राजाराम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के वंचित तबके को संविधान निर्माण और उसके द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के बारे में आज भी जानकारी नहीं है, जिस कारण सरकार द्वारा उसके लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह की संगोष्ठी उन्हें जागरूक करने का काम करती है। मथुरा में प्रधानमंत्री स्वनिधि वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना से रेहड़ी खोमचे वालों के सपने अब साकार हो रहे हैं। स्वनिधि वेंडर्स को रोजगार मिलने से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट पुनः लौट आई है। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन में बेपटरी हुए स्ट्रीट वेंडर की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ गई है और उनके सपने फिर से साकार होने लगे हैं, जिसके तहत सिर्फ मथुरा जिले में ही नहीं 28,000 से ही अधिक रेहड़ी, ठेला, पटरी वेंडर्स लाभान्वित हो चुके हैं। इससे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत अधिक खुश हैं और सरकार की इस योजना के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन लगा था जब, पैसे वैसे सब खत्म हो गए थे, खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमने वो फॉर्म भरा, हमारा फोटो वोटो खींचा, उसके बाद लोन पास हो गया और फिर हमने अपने दोबारा से किताब विताब भर के अपनी रोजी रोटी शुरू की है। अब मैं
उनके प्रधानमंत्री जी की कृपा से रोजी रोटी हमारी चल रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो योजना आई थी प्रधानमंत्री योजना, उसके तहत 10,000 रुपए जो है डकेल वालों को और खोखे वालों को मिले थे, और लॉकडाउन के समय काफी समस्याएं थी उस समय पैसे की, तो हमें उस योजना का लाभ मिला। और आज जो है हम जो है जो अपना व्यापार लेके बैठे हैं उस योजना के तहत ही इस समय हमें बड़ी खुशी है कि जो है उस योजना का हम लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। सबका दखिल लगाता हूँ, और लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा परेशानी हो गई ज्यादा, तो अपने गुजर बसर के लिए सरकार ने योजना निकाली है, उसके मेरे को 10,000 रुपए मेरे खाते में आ चुके हैं, उससे अपने दखिल लगाना चालू कर दिया है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान यानी लखनऊ चिड़ियाघर में नववर्ष की आमद पर पर्यटकों के लिए कई तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। पर्यटकों को आने जाने में दिक्कत न हो इसके लिए एक ही द्वार से आने जाने का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही मास्क और अन्य प्रकार की कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन दर्शकों को करना अनिवार्य किया गया है। मुख्य वन संरक्षक राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ठंड के मौसम में चिड़ियाघर में जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए कंबर और अलाव का पूरा इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लॉक के बाद पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या रोजाना चिड़ियाघर को देखने के लिए आ रही है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की दी बड़ी सौगात, का कश्मीर और कश्मीरियों के विकास संकल्प है भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर साझा करेंगे देश के साथ मन की बात। इसका प्रसारण मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। कोरोना की वैश्विक महामारी के खिलाफ देश प्रतिदिन सफलता के स्थापित कर रहा है नए मापदंड। 25 दिसंबर तक 97,00,000 से अधिक मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय करेगा महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध। विभागाध्यक्ष ने शोध कार्य मिलने पर बताया गौरव की बात। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।